हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भूवेश, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हाँ जी, हम भी ठीक हैं। तो ये हमारा बेटा है रियान, मोहम्मद रियान। मोहम्मद रियान के बारे में मैंने बताना था कि इसके हमने खतने करवाए आज। हाँ जी, तो माशाल्लाह ठीक है, लेकिन रो रहा है। अब कुछ चुप किया, नहीं तो पहले तो बहुत रो रहा था। तो ये मैं ब्लॉग बनाया है, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं बताती हूँ। तो डॉक्टर कहते थे कि तकरीबन ये एक माह का होगा तो फिर इसके होंगे खतने। तो आज हमने फिर मोहम्मद रियान की वो सुन्नत इब्राहिमी की है, तो माशाल्लाह ठीक है। हैं मोहम्मद रियान, बात करो। अब थोड़ा सा पीछे देखता है, जो आप जिधर कोई बैठा हो ना उसकी तरफ देखता है आंखें करके ना। माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे। बस आप दुआ करना इसके लिए, अल्लाह पाक इसको सेहत ज़िंदगी दे माशाल्लाह, और ये जल्दी ठीक हो जाए। ये हमारी मानो, ये इसका ना पहला चेहरा बहुत ब्लैक था, अब इसका सारा जिस्म वाइट होता जा रहा है। पता नहीं है, ऐसे ही अलग पलग की तरफ से ही है। अब ज़्यादा प्यारी निकल आई है ना, पहले जो ब्लैक थी जब इसको लेके आए थे इसका सारा मुंह। ये हमारे सोनू की फैमिली, ये बानो बैठी है, ये इना खेल रहा है। इना क्या कर रहे हो? इधर आओ, इन्होंने चिकन खा लिया है। इना सोनू इधर आओ। तो वो भी जो हमारे पैरेंट भी अब रात है ना, मतलब तकरीबन 8 का टाइम हो गया है, तो बस इसको फिर एसी वाले कमरे में रखते हैं रात को इनको, तो फिर इधर ये सो जाते हैं। दूसरे कमरे में होता है सोनू, वो भी एसी के बगैर नहीं रह सकता। वो बस एसी में, क्योंकि ये नस्ल ऐसी होती है ना, तो इनको गर्मी बहुत लगती है, बहुत गर्मी फील करते हैं, तो बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये इनको पैरट को भी इधर ही रखते हैं ना। तो अब ये सो जाएंगे तो सुबह फिर इनको बाहर रखते हैं सेन में, तो बड़ा फिर शोर करते हैं, बातें करते हैं। वो जो है ना, वो बहुत बातें करता है बड़ा। इसकी एज तकरीबन 18-19 साल है, लेकिन लगता नहीं है। इसका कद नहीं बड़ा या पता नहीं क्या हुआ है इसको। दिखाया भी है डॉक्टर्स को, वो कहते हैं कि ये है काठा है तो इसने ऐसे ही रहना है, लेकिन सियाना बहुत है, हर बात समझता है। तो अब ये सो जाएंगे, एसी ऑन कर दिया, तो अब नहीं बोलेंगे सारी रात। अच्छा, अगर रात को लाइट जलाए ना ऐसे, तो फिर बोलता है वो वाला कि इसको बंद करो लाइट को। इसके पापा वो कोई बुक पढ़ते हैं रात को, या उनकी आदत है कि रात के टाइम वो मतलब स्टडी करते हैं, तो नमाज शायद से फारग होकर खाना वगैरह खा के ना, तो फिर तो वो लाइट जलाते हैं ना, तो ये बोलने लग जाता है कि लाइट बंद करें। तो उतनी देर तक फिर इसको उधर रखते हैं, फिर जब वो अपना स्टडी करके हट जाते हैं, इस्लामी किताबें पढ़ते हैं। माशाल्लाह, मेरी बेटी के पापा एमए उर्दू हैं, तो उनको ये शेर व शायरी से और ये इस्लामी बुक्स से बहुत लगाव है। हमारे पूरी एक लाइब्रेरी है, किसी दिन वो भी आपको दिखाऊंगी। उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी अलमारी है, तो बहुत ज़्यादा इस्लामी किताबें हैं, तो माशाल्लाह तो बहुत नॉलेज है उनका ना। चलो मैं अपनी बेटी के पापा का कमरा दिखाती हूँ। तो ये बुक्स वो बड़े शौक़ से, और उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है बुक्स पढ़ने का। तो मैंने आपको बताया ना, उनकी एक पूरी लाइब्रेरी है, उनके ड्राइंग रूम में अलमारी है, और उसमें उन्होंने इतनी ज़्यादा बुक, ये देखें
ये बेड पे जो पढ़नी होती हैं ये कुरान करीम के साइंसी इंकशाफात, उनको इन चीज़ों से बहुत दिलचस्पी है, तो मुतालिया करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत नॉलेज है उनका। तो मैं कहती होती हूँ कि आप इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़ लेते हैं, फ़ज़ाले अमाल, तो मतलब इससे भी मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं उधर, ये देखें, तो ये इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं कह रही थी वो रात को मतलब इशा की नमाज पढ़ के खाना वगैरह खा के तो ख़बरें वगैरह देख के ना, तो फिर ये थोड़ा सा मुतालिया करते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं। तो वो जो मिट्टी है ना तोता, वो डिस्टर्ब होता है, उसको पहले उधर ही रखते हैं ना दूसरे कमरे में, जब सोना होना तो फिर उसको लेके आते हैं, ऐसे फिर वो बोलता है, बातें करेगा या चीची करेगा कि लाइट बंद करो। तो ये उनका कमरा है, तो ये रेडियो के भी शौकीन है वो, ये देखें ये पता नहीं कितना पुराना रेडियो उन्होंने रखा हुआ है, तो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते, कहते एक वक्त होता था पढ़ाई के ज़माने में जब, तो कहते माशाल्लाह लायक जी, कहते पहले थे से था मैं, तो रात को मैंने गाने सुनने, वो इंडिया के लगते होते थे प्रोग्राम 11 बजे पुराने गानों का, तो ये उस वक्त का रेडियो अब भी सही चलता है, ये देखें कितना पुराना है। तो कभी कभी कहते हैं कि ये मेरी यादगार है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है रेडियो, एक दो और भी लिए थे उन्होंने, लेकिन ये उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, कहते ये मुझे याद आ जाता जब मैं रात को ना सुनता होता था पुराने गाने इस पे ना, तो ये कभी कभी लगा के सुन रहे होते हैं। तो अब तो मोबाइल का उन्होंने मौलवियों की जो वीडियो है वो ज़्यादा देखते हैं, उलमा कराम की, और बस थोड़ा ऐसे वो ना, और ये एलसीडी ये लगाई हुई है उन्होंने अपने कमरे में, खबरें देखते हैं, और बस आज वो गए हुए हैं कल के ना काम, गए हुए हैं कहीं काम था तो गए हुए, रात रहना था उधर तो इसलिए घर नहीं है। तो ये इनकी एलसीडी है, वैसे केबल भी लगी हुई है, और ये उन्होंने डिश भी लगवाई हुई है, दो डिशें, ये रिसीवर है उनका, पुराने गाने लगते हैं वो सुनते हैं, तो ये उनका अपना सेटअप है एक, तो एलसीडी खबरें मतलब शौक से देखते हैं, तो ये उनका कमरा है, थोड़ा उन्होंने अपना अलग बनाया हुआ है, तो हमारा टीवी लॉन्च में एलसीडी लगा हुआ है, वो जा रहे हैं औरतें फिर ड्रामा वगैरह देखती हैं, तो या कोई और प्रोग्राम देखने होते हैं तब तो फिर उधर देख लेते हैं, वो कहते होते हैं मुझे डिस्टर्ब ना किया करो, तो इसलिए हम उन्होंने हमें लैदा लगवा के दी हुई है।